धन्यवाद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के पिता परमेश्वर इस सुबह के समय के लिए। मेरे पिता परमेश्वर जो भाई बहन यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, मेरे पिता परमेश्वर आज की प्रार्थना में इन सभी को भी आशीष देना आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर आपने इन्हें पिता परमेश्वर चुना है और पिता परमेश्वर आपने इन्हें सुरक्षित रखा है, मुझे सुरक्षित रखा है और हम सभी के लिए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए हम सभी को पिता परमेश्वर यहाँ पर एकत्रित किया है उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर सारे संसार के मालिक आप हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम तो आपके हाथों की रचना है मेरे पिता परमेश्वर। और इस पिता परमेश्वर 2022 साल में मेरे पिता परमेश्वर अब तक हमें संभाल कर रखे हैं मेरे पिता परमेश्वर आपने मेरे पिता परमेश्वर, और आज का यह नया सवेरा भी आपने हमें दिखाया। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हर बात के लिए, जो भी आपने पिता परमेश्वर इस दिन के लिए हमें जो सांसें दी है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। अब तक हमें जिंदा रखा मेरे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के अंदर जो कुछ पिता परमेश्वर भलाई आपने भी पिता परमेश्वर की है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आपके पिता परमेश्वर दया के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह से तो हम आज की सांस ले पाए हैं, आपके ही तो अनुग्रह से मेरे पिता परमेश्वर इस दिन में मेरे पिता परमेश्वर हम जी पाए हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। यह सभी भाई बहन आशीषित हो गए विश्वास करता हूँ, और पिता परमेश्वर सामर्थ्य के काम हमारी ज़िंदगी में आपने किए हैं, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मदद करना पिता परमेश्वर, प्रार्थना करने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। हमें आलसी नहीं होना है, हमें प्रार्थना में पिता परमेश्वर उत्साही रहना है, वचन पढ़ने में उत्साही रहना है मेरे पिता परमेश्वर। सभी भाई बहनों को भी मदद करना, सहायता करना इस बात के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर, लोग हमें जानते हैं कि सच में ये प्रभु को मानने वाले लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारा बर्ताव ऐसा बने, प्यार भरा बर्ताव बने मेरे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन के अंदर किसी के प्रति मेरे पिता परमेश्वर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति मेरे पिता परमेश्वर ऐसे इरादे नहीं होने चाहिए दूसरों की हानि करने के, बल्कि मेरे पिता परमेश्वर हम हमेशा मेरे पिता परमेश्वर दूसरों का अच्छा ही सोचना चाहते हैं। हमें सहायता करना, मदद करना मेरे पिता परमेश्वर इन सभी में बढ़ने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रभु जी आपने आज के पिता परमेश्वर इस सुबह की प्रार्थना को सुना है और सभी को पिता परमेश्वर आशीष दी है, सभी को पिता परमेश्वर अनुग्रह से भरा है और प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें तैयार किया है। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम दिखावा नहीं करना चाहते पवित्रता में चलने का, लेकिन पिता परमेश्वर सच में हम पवित्रता में पूरी तरह से चलना चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हम विश्वास करते हैं हम पिता परमेश्वर आगे बढ़ रहे हैं आपकी इच्छा से, और पिता परमेश्वर इसी तरह से प्रेयर में बढ़ने के लिए भी सहायता करना, मदद करना, ऐसे प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमेन, आमेन।